अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं परवीन। वेलकम टू माय चैनल। दिवाली आ रही है तो हम एक दिवाली की स्पेशल रेसिपी आज बनाने वाले हैं और वो है गेहूं की चकली। चकलियां तो बहुत तरीक़ों से बनाई जाती है। चावल की चकली बनाई जाती है और मैदे की चकली, ज्वार के आटे की चकली और भाजनी की चकली, मतलब कि दालों को यूज़ करके चकली बनाई जाती है। लेकिन आज हम गेहूं के आटे से चकली बनाएंगे। ये चकली बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनती है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। गेहूं के आटे की चकली बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा, 300 ग्राम गेहूं का आटा, 1/2 कटोरी हम चावल का आटा ले लेंगे 150 ग्राम, 1 चम्मच हम तेल ले लेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हम यहाँ सफ़ेद तिल ले लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ये गेहूं के आटे में हम ये चावल का आटा मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें इसे स्टीम करना है आटे को। तो ये अच्छी तरह से मिलाने के बाद में हम एक बर्तन ले लेंगे। मैंने यहाँ पर ये बर्तन लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ये जो आटा हमने मिक्स किया है गेहूं का और चावल का, इसको इसमें ले लेंगे। तो ये गेहूं के आटे को अभी हमें स्टीम करना है। तो यहाँ पर हम एक इडली मेकर ले लेंगे या फिर आप कुकर भी ले सकते हैं। इसमें 1 गिलास पानी डाल देना है और इसमें इस तरह की एक डिश रख लेंगे और उसके ऊपर ये हमने जो आटा निकाला है इसको रख देंगे, आटे के बर्तन को इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पर कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा ऐसे झांक देंगे। इससे क्या होगा कि जो स्टीम है वो इसमें गिरेगा नहीं पानी स्टीम का। तो इसको चारों तरफ से अच्छे से झांक देंगे। तो मैंने इसको अच्छी तरह से झांक दिया है कपड़े से। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर एक 15 मिनट तक स्टीम कर लेना है। तो अब हम इसे गैस पर रख देंगे स्टीम होने के लिए। तो देखिए मैंने इसको 15 मिनट स्टीम कर लिया है। इसे बाहर निकाल के हम ठंडा होने देंगे। स्टीम करने के बाद जो है हमारा आटा ऐसे हार्ड हो जाएगा बहुत। तो इसमें गुठलियां बनेंगी, इन गुठलियों को हमें तोड़ देना है। अब हम एक बोल ले लेंगे, उसमें ऐसे एक छलनी ले लेंगे और जो हमारा जो आटा है इसको हम फिर से छान लेंगे इसमें डालकर। इसी तरह से पूरा आटा छान लेंगे हम। तो ये देखिए मैंने पूरा आटा छान लिया है। ये ऊपर जो गुठलियाँ बची है इसे भी हम तोड़कर इस तरह से छान लेंगे।
अब हम इसमें एक चम्मच तेल मिला देंगे। हमें ज्यादा तेल नहीं मिलाना है, यहाँ पर एक ही चम्मच मिलाएंगे, अदरवाइज जो हम तलते वक्त है हमारी चकलियाँ टूट जाएगी। अब हम इसमें सारे हम मसाले मिला देंगे। तो हम यहाँ पर एक चम्मच लाल मिर्च मिला देंगे, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक और एक चम्मच सफेद तिल। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला देंगे इसमें और इसे मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंद लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हम जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं उसी तरह इसका आटा गूंद लेंगे। तो ये देखिए मैंने आटा गूंद दिया है, एकदम मुलायम आटा गूंदना है। अब इसमें थोड़ा सा तेल मिला देंगे। अब हम ऊपर से थोड़ा सा इसे तेल लगाकर 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। चलिए हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, ये आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा और मसल के गूंद देंगे। जितना आपका आटा सॉफ्ट रहेगा उतना इजीली चकले की जो सांचा होता है उसमें से चकलियां निकलेगी और ब्रेक नहीं होगी। अब इसमें से एक डो निकाल लेंगे। अब हम चकली बनाने का सांचा ले लेंगे। ये मेरे पास इस तरह का सांचा है चकली बनाने का। इसमें हम ये स्टार वाली जाली, ये देखिए ये स्टार वाली जो रिंग है इसको डाल देंगे और इसको अंदर से थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेंगे डालकर। और अब हम इसमें ये आटा डाल देंगे। अब हम एक प्लेट ले लेंगे या फिर आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। अब हम चकलियां बनाएंगे। आप अपने साइज के हिसाब से बना लीजिए, आप कितनी बड़ी छोटी बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए इजीली आटा जो है बाहर निकल रहा है। इसको हम ऐसे लास्ट में इसको एक जो सिरा है इसको प्रेस कर देंगे ताकि तलते वक्त ये टूटे नहीं।
ये देखिए, इसी तरह से हम सारी चकलियां बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ चकलियाँ बनाकर रख दी है। अब हम तेल गरम होने के लिए रख देंगे गैस के ऊपर। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, इसे हम चेक कर लेते हैं गरम हुआ कि नहीं। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही तल लेना है चकलियों को, ज़्यादा लो या हाई फ्लेम पर नहीं तलना है, अदरवाइज जो हमारी चकलियाँ है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसमें चकली डाल देते हैं। देखिए एक बार में जितनी चकली आपकी कढ़ाई में आती है उतनी कर लीजिए, उसे बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं करना है। ये देखिए हमारी जो चकलियाँ है हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारी चकलियां तल लेंगे। एक बार की चकली तलने के लिए हमें 5-6 मिनट लग जाते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी गेहूं की आटी की चकलियां बनकर रेडी है। बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी चकलियां बनी हैं। तो इस दिवाली आप भी से ये देखिए ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी बनती है। और अगर आपको मेरी ये चकली की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, जिससे कि मेरे आने वाले रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।